गुड मॉर्निंग। सुबह के दर्शन तो नहीं किया मैंने, यार सो गया था और लेट उठ गया, मतलब लेट नींद उस टाइम पे नहीं खुली जो 5 बजे की आरती होनी थी, तो ऐसा तो नींद उस टाइम पे नहीं खुली थी। तो यहाँ पे एक बाबा आए थे, तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि दर्शन आरती कभी करना है, तो शाम वाला भी आरती कुछ करे, बोलते शाम को 7 बजे होता है, तो 7 बजे आरती करेंगे वहाँ पर जाके, और फिर यहाँ से भी गंगा स्नान करने जा रहे, तो वहाँ जाने के बाद नहाते वगैरह, तो थोड़ा देखेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे जो छोटे छोटे मंदिर है या विश्वनाथ मंदिर जो भी, तो उनके सारे सब वहाँ पर दर्शन करने के बाद तो आगे चलते, तो पहले नहाना है तो फिर उसके बाद आगे जाते। यहाँ का ये लोकल पार्क है, कितना अच्छा, कितना शांत है, और सुबह सुबह यहाँ पे योगा कर रहे हैं सब, ये सारी चीज़ें कितना अच्छा लगता है देख के सब। और एक वहाँ पे पीछे फाउंटेन था बट मैंने कवर नहीं किया, तो मैंने बाद में रहे शूट भी कर सकता इधर अच्छा, तो ये सारी है, ये शॉर्टकट एक तरह से, ये शॉर्टकट है क्योंकि ये अभी मैं यहाँ से एंट्री लिए तो कल जा रहे थे तो रोड्स की तरफ से निकल जाते थे बार बार, यहाँ पे अगल बगल में रोड भी है तो रोड से निकल जाते, लेकिन बाद में देखिए यार यहाँ पे गार्डन भी है, गेट भी खुला है, तो उस तरफ से हम लोग एक बार देखे थे तो हम लोग अंदर की तरफ आ गए, तो यहाँ से शॉर्टकट भी था इसके लिए। भाई ये रास्ते में एक चीज़ बहुत सही दिख रही है, जो यहाँ से मोहल्ला है, जो कॉलोनी है कुछ या घर है जैसे भी, सब सेम एक कलर के, सेम टू सेम एक कलर के, ये दीवार देख रहे हो पूरा, तो आगे का भी सेम आपको सेम एकदम सेम टू सेम मिलेगा, तो आपको दिखा ये देख रहे हो वैसा, सब सेम सेम है एक ही कलर है। तो ये रास्ते से सीधा आगे जाना है तो गंगा घाट आएगा, तो वहाँ पे चलते आगे हम। यार यहाँ की साफ़ सफाई देखो, पहले इतना क्लीन है देख रहे हो, इतनी साफ सफाई, इतना क्लीन यहाँ पे, यार सच कहो तो पूरे यूपी में मुझे यहीं पे देखने ऐसा मिला है, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मुझे इसी जगह बनारस में, मुझे बनारस की इन गलियाँ बोल सकते हैं ऐसा जो अच्छा है, तो यहाँ पर मुझे साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा दिखा है। जैसे इसके पीछे एक कॉरिडोर था और यहाँ पे काशी देखो, ये देख रहे हो ये पूछताछ मतलब इंक्वायरी के लिए है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे जब आए यहाँ पे आप इंक्वायरी वगैरह कुछ कर सकते हो, पूछ सकते हैं यहाँ के बारे में भी रहेगा, ये सारी चीज़ें। और काफ़ी यहाँ से आपको काफ़ी भीड़ भी हो रही है, और मुझे तो यहाँ पे हर तरह के लोग, मतलब यार कई स्टेट से आए हुए लोग दिख रहे, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहली बार आ रहा था, मेरे लिए कुछ अलग ही रह गए। मैंने बहुत बड़ी पार्किंग देखा, ये जो दिख रहा है ना ये पार्किंग है एकदम, और टू व्हीलर पार्किंग का ऑलरेडी, हाँ का टू व्हीलर ही लिखा है तो टू व्हीलर पार्किंग का है, और नीचे शौचालय वगैरह वाशरूम वगैरह भी दिया गया, तो ठीक है यार इतना मुझे ये पहले देखा गया कि इतना बड़ा बीच में खाली पार्किंग दिया गया टू व्हीलर के लिए। तो यार यहाँ पे आने के बाद देखो ना CST साइड जब आप जाते हैं तो ऐसा दिखता है ना, ऐसा कंटिन्यू उसमें चले जाने का, तो ऐसा मुझे कुछ कुछ वहाँ के भी याद है कि मैं इस जगह पर आ गया ऐसा लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें। भाई ये घाट पर मैं आ गया हूँ, जो पूरा घाट है ऐसा कंटिन्यू लंबा है दूर तक ऐसा है, और ये पीछे का व्यू है। तो यार इधर पे हर टाइम का मज़ा है, सुबह में आया तो कुछ अलग है, दोपहर में कुछ अलग रहेगा, रात को कुछ अलग रहेगा, तो ये सारी चीज़ें रहेगी यार। अगर मुझे शूट करना है यार तो मुझे बोट पे जाऊंगा ना अगर, तो मुझे बहुत अच्छा व्यू मिलेगा पूरा देखने के लिए, बातें करने के लिए और थोड़ा इन्जॉय करने के लिए, ये सारी चीज़ें है। सब छोटे छोटे दुकान वगैरह भी मिल जाएंगे, चाय वगैरह यहाँ पे कंटिन्यू आपको मिलेगी। और ये देख रहे हो ये मुंशी घाट, ये ऐसा है यहाँ पे सब घाट के आगे नाम भी लिखे हुए। ये पीछे दरभंगा घाट है, और यार यहाँ पे हर घाट एकदम ऐसा लगता है पूरा होटल जैसा पूरा बना हुआ है एकदम, तो ऐसा सारे जगह पर ऐसे ही है, और यहाँ पे बैठने का भी है, आप बैठ भी सकते हैं, बना हुआ है देखो बैठने के लिए भी, तो ऐसा सारी जगह थोड़ा थोड़ा हर जगह बना हुआ है। और ये बाहर का नज़ारा है, ये गंगा घाट है जो, और सारी चीज़ें यहाँ पे, बोट पे ही बैठूँगा पहले, यहीं सोच रहा हूँ अभी नहा लूँ मैं, तो अभी नहाने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। तो अभी मैं नहा लिया हूँ, नहा के अभी सोच रहा हूँ यार कि अकेले ऐसा चल चल के घूमते रहो, थोड़ा घूमने के घूमता रहो और देखता रहो कैसा क्या है, क्योंकि पूरा टाइम ही टाइम मेरे को है यहाँ पे, तो
तो उस टाइम को यार यहाँ पे घूम लूँ मुझे अच्छा लगेगा। और फिर यहाँ से घूमने के बाद बाहर बाहर जाऊँगा, यहाँ पे कॉरिडोर वगैरह भी है वहाँ भी देखूँगा। लेकिन कॉरिडोर में यार फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं करते, बाहर रखना पड़ता है, तो उसका भी तो वहाँ पे जाने के बाद देखना पड़ेगा। और ये बोट है तो बोटिंग भी करूँगा, उसका भी प्राइस क्या है देख सब देखूँगा, क्योंकि अभी यार पहले घूम लेता हूँ पहले मैं। शाम के 6:20 हो गए हैं और अभी गंगा आरती जो होने वाला है, जो 7 का टाइमिंग है, तो यहाँ से भी जाना है मुझे गंगा आरती की देखने के लिए। तो वो कैसे होगा, किस जगह से होगा, मैं वो मुझे आरती मिल पाएगी या मैं देख पाऊँगा वो तो मुझे नहीं मालूम है। अभी यहाँ से पहले चलता हूँ गंगा आरती देखने के लिए, फिर वहाँ पर शायद बोट वगैरह रहेगा तो उस पर मैं दोपहर में उस पर बोट पर जाने वाला था, लेकिन मुझे दो दो बार जाना पड़ेगा इसके लिए मैं नहीं गया। तो देखता हूँ अगर अभी बोट पर जाऊँगा तो आरती भी वहाँ से देख सकता हूँ और शायद वहाँ से अच्छे से शूट करने को भी मुझे मिलेगा। तो यहाँ से अभी मैं पीछे सॉरी कन्फ्यूज़ हो गया, तो अभी यहाँ से सीधा जाना है मुझे। अभी 15 या 20 मिनट लगेगा मुझे, जो भी लगेगा। तो अभी कंटिन्यू चलता हूँ, अभी मैं आरती हो जाए कुछ प्रसाद वगैरह ले लूँ और लगभग दर्शन तो करके ही निकलूँगा वहाँ से हर जगह से, कि फिर रिटर्न मुझे जाना ना पड़े ऐसा कुछ। तो फिलहाल चलता हूँ मैं। भाई आपको एक चीज़ दिखाऊँ मैं, अभी मेरे को तो हंसना भी आ रहा है और बहुत बुरा भी लग रहा है कि ठीक है वैसे मैं देख रहा हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये साइकिल है, ये वाला साइकिल मतलब यहाँ पे रिक्शा बोलते हैं, तो ये ऐसा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जो चला रहे, ये देखो जो चला रहे वो है, और जो बैठा है आपको अच्छे दिखाता यार, थोड़ा भाई बीच में आ जा रहे। तो जो बैठा है ना वो उसको देखो, जो चला रहा है ना वो चला नहीं रहा, धक्के मार के लेके जा रहा है उसको, वो धक्के मार के लेके जा रहे यार। काफ़ी क्राउड है तो उसका मेहनत देखो आप, जो मेहनत कर रहा है बंदा इतनी ट्रैफिक पे और चलाने जैसा ही नहीं है, और ये कुछ नहीं तो थोड़ा हाइट पे है इसके लिए वो धक्का मार के लेके जा रहा है। और ये देखो प्लीज़ थोड़ा देखते रहना अभी, हाँ मैं आपको कुछ और भी शायद मैं बात भी करूँ उससे। देखो ये देख रहे हो, चल चल के लेके जा रहा है, धक्के मार के लेके जा रहा है। तो ऐसा है वो धक्के मार के लेके जा रहा है, जैसे उसके पीछे मैं हूँ, तो अभी मैं आगे जाऊंगा यार, काफ़ी आगे आगे चल रहे अभी वो। और मैं तो फटाफट से चल भी नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे सब लगभग देखो ना, सब कैसे इस किस तरह से खींच के ले जा रहे, पीछे भी देख रहे वैसे ही सेम आ रहा है, तो किस तरह से वो खींच के ले जा रहे। तो यहाँ पे मैं कुछ और नहीं देखा, उसकी मेहनत दिखा रहा हूँ यार। और अभी तो वो बैठ गए यार, अभी फिलहाल खींच के जा रहे हैं ऊपर बैठ के, तो आपसे कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं उससे बात करने वाला था यार कि सामने वाला, मैं तो बहुत कंफ्यूज था कि मगर मैं बात करूँगा तो बेचारा जो पीछे बैठा है वो शर्मा आ जाएगा कि मैं तू वीडियो शूट कर रहा है, तो वो बता रहा है लोगों को दिखा रहा है, और मैं इतना मोटा हूँ, मैं ऐसा बैठा हूँ और वो धक्का मार के लेके जा रहे। तो मैं बहुत हंस भी रहा था, लेकिन मैं तब तक मैं आगे जाता पूछने के लिए, लेकिन वो साइकिल पर बैठ के आगे धक्के मार के लेके चले गए, मतलब साइकिल चला चला के लेके चले गए आगे। तो ठीक है ऐसे ही कुछ है, और आगे ट्रैफिक भी लग गई है, मैं फ़िलहाल आगे की तरफ जा रहा हूँ मैं। अगर उतरे रहेंगे तो मैं ज़रूर पूछूंगा कुछ ना कुछ उनसे, तो अभी आगे चल रहा हूँ मैं। भाई देखो वो उतर गया है, और उससे बात करता हूँ, लेकिन अभी वो उतर गया है तो कोई नहीं, चाचा से ज़रूर बात करेंगे थोड़ा कि उतने दूर का उन्होंने कितना रुपया लिया है, कहाँ से बैठाया था, ऐसा कुछ इन्फॉर्म मिल सके यार, खाली वो मेहनत कर रहे। चाचा आप कहाँ से इनको बैठा के ले गए, इनको कहाँ से बैठा के ले गए, और कितना रुपये मिला आपको, कितना रुपये आपको दिया उन्होंने,
₹40 के लिए सोचो आपने देखा कितना मेहनत कर रहे थे, धक्का मारते हुए लेके जा रहे थे, तो वही मैं फॉलो कर रहा हूँ कि वो आदमी कितना मोटा है, बेचारा ऐसा बैठा है। और आप ये देखो, ये मेहनत है इनकी, ये सारी चीज़ें देखो, गाड़ी आ रही करके तो आगे जा रहे, लेकिन कोई नहीं यार, इनकी मेहनत देखा है हमने कि यार जिस तरह से वो धक्के मार के लेके जाते हुए, तो ये सारी चीज़ें, ये देखो भाई कुछ नहीं, वो उनको रुकना नहीं पड़ा क्योंकि जो पुलिस वाले पीछे है गाली वाली दे रहा है उनको कि यहाँ पे क्यों रुक रहा है, ऐसा नहीं होता, तो मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन ठीक है, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है यार जो भी है, इतना ट्रैफिक भी लग रही है, ये सारी चीज़ें है। तो अभी कुछ नहीं, अभी मैं निकलता हूँ दर्शन के लिए जहाँ पे गंगा आरती होने वाली है, बस 5 मिनट में ही पहुँच जाऊँगा, 5 से 7 मिनट में। भाई ये कितनी भीड़ दिख रही हो, मैं यहाँ से तो नीचे भी नहीं जा पाऊँगा, ये गंगा आरती चालू हो गया है तो यहाँ पे कितने लोग दिख रहे हो ना, बोल के यार मैं तो 5-10 हज़ार लोग से ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। देख रहे हो मुझे बोट पे जाने का मौका तो मिल रहा है कि मैं जा सकता हूँ, रास्ते भी दे रहे, लेकिन यार मेरे मन में कुछ अलग आया कि गंगा आरती हो रही है, गंगा आरती हो रही है और मैं बोट पे बैठूँ फिर आरती लूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसके लिए आरती होने के बाद मैं चाहिए तो बोट पे घूम लूँगा, क्योंकि अभी उन्हीं की पूजा हो रही है और उन्हीं पे घूमना पानी पे तो चलना अच्छा नहीं है, तो ठीक है। भाई पैसों से पूरा थाली पूरा भरा हुआ है, लोग पैसे किस तरह से चढ़ा रहे, देख रहे हो भाई, देख रहे हो ये सारे पैसे और सामने आरती हो रही है। थाली थाली था भर गया है, ये देख रहे हो यार, अभी पंडित वंडित बन जाओ लग रहा है इधर। भाई ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये जो थाली भर गई ना कुछ नहीं है, ऐसी मेरे सामने से मुझे लगता है कि 8-10 थाली गई रहेगी यहाँ वहाँ से। मस्त आइडिया आया है मेरे मन में,
खत्म हो गया है। तो देखो पीछे देख रहे हो आरती पूरी खत्म हो गई, लोग अपने अपने जगह जा रहे हैं। तो अभी साइड सीन वगैरह थोड़ा देखना है बोट पे, तो एक जन का 50 रुपये लेते हैं और बहुत लोग को बैठाते हैं। तो ठीक है भाई, उनकी कैपेसिटी जितनी बोट की रहेगी, बोट काफ़ी बड़ा है तो एक जन का 50 रुपये लेंगे। तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, घूमते हैं फिर, क्योंकि अभी काफ़ी लोग अभी आएंगे तब चलेगा आगे। भाई ये बोट काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, तो ये व्यू है पूरा, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे एक अलग नंदा करके एक बोट है, बोट या उसको सीप जो भी बोल सकते हैं यार, उनका क्रूज टाइप लगता है, लेकिन है नहीं वो। तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा अंदर था, कम लोग भी जाते, कम लोग ही रहते अंदर, और काफ़ी बड़ा है वो, और जिसमें 1,050 रुपये लगता है। तो वो भी आधा घंटा ऐसे घुमाता है, वो 84 घाट घुमाता है, यहाँ पे ये 40 घाट घुमाता है, इसमें 1,050 रुपये उसके अंदर लगता है। तो उसमें अपने को चाय नाश्ता कॉफ़ी यही सब रहता है, बाकी कुछ रहता नहीं, आधा पौना घंटे का तो तुमको जर्नी रहेगी वो। तो एक बार के लिए मैं सोचा जाऊँगा, लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम पड़ा, बोला यार इतना पैसा वेस्ट करके मतलब नहीं है, तो 50 रुपये काफ़ी अच्छा था। तो इसमें हम निकला वो भी घूमने के लिए। देखो ये राजा हरिश्चंद्र घाट है, यहाँ पे देखो चिता जलाई जाती है जो डेथ होने के बाद 80 जिंदगी दुनिया यही है, यहीं पे शुरू है, यहीं पे ख़त्म है। देख रहे हो ये ऐतिहासिक जगह है, यही राजा हरिश्चंद्र जो भी था वो उसका नौकरी मिला। भाई आरती ख़त्म हो गया और कुछ मैंने शॉपिंग भी कर लिया है। यहाँ पे इडली दिख रहा था तो इडली ले रहा हूँ, 20 रुपये में 2 इडली, काफ़ी महंगा बट यहाँ पे मिलता नहीं, इसलिए यहाँ पे अच्छा है, तो इडली भी खा रहा हूँ यहाँ पे। तो इडली खाने के बाद आगे मैं अभी पराठे वगैरह जो कल मैंने खाए नहीं थे वो सब ट्राई करने वाला हूँ। तो काफ़ी ठीक है और यहाँ से भी निकलता हूँ खा के। ये दूध है 15 रुपये में और कुछ 250 ml बता रहे, तो ये इस तरह से है, काफ़ी रबड़ी मलाई लस्सी दूध के ये सारी चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो अभी मैंने इडली भी खाया, मेंदू वड़ा भी खा लिया था वहाँ पे मैंने, और ये दूध है इसको ट्राई करता हूँ, और फिर आगे पराठे है वहाँ पे वो खाऊँगा, और तुरंत जहाँ पे रूम है वहाँ पे चले जाऊँगी, काफ़ी लेट हो गया है, कहीं वो लॉक विक ना कर दे, मैं बाहर रह जाऊँगा रात भर। तो अभी फ़िलहाल पीता हूँ फिर निकलता हूँ आगे के लिए। तो भाई काफ़ी लेट हो गया, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो और गेट भी बंद हो गया है, गेट जब बंद हो जाता है लॉक विक कर देते हैं वहाँ से, और क्योंकि यहाँ पे जो रहते हैं लोग काम वगैरह भी करते हैं, मज़दूर वगैरह भी रहते हैं, तो यहाँ पे लोग रहते भी है, और फिर हफ्ते में 1-2 बार अपने घर पे भी चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो सब लॉक है, अंदर की तरफ सब सो चुके हैं, और फिर एक कुछ लोग यहाँ पे बैठे रहते। तो अभी कल मुझे निकलना है जौनपुर के लिए, दोपहर तक निकल जाऊँगा, जहाँ पे मैंने अपना बैग वगैरह घर पे रखा है मैंने, तो वहाँ से बैग वगैरह लूँगा। तो आगे की प्लानिंग रहेगी जहाँ तक कि मुझे मुंबई निकलना है, तो देखते हैं अभी। तो घर जाने के बाद डिसाइड होता है कि टिकट का कैसा है जो भी है, तो डिसाइड बाद में करेंगे। तो फिलहाल काफ़ी रात हो चुकी है, लगभग 10-10:30 बज गया। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में।